बाय बाय जी। अभी बैग जो है ना वो सब हम रख रहे हैं। रेडी ले यार, रेडी ले। ये वाली बस जो है ना, इनके सीटें जो है वो फुल हो चुकी हैं। ये जो शिरके की बसें होती हैं ना, ये मतलब एक जाती है फिर दूसरी आ जाती है। अब ये तो फुल हो गई है सीटें, अब ये सब जाने वाले ना जा रहे हैं। अब ये जाएगी तो इसकी इसकी जगह पे ना फिर और बस लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल मेरे हसन की तरह और मेरे बेबो जानी की तरह तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह की नमाज फजर जो है वो अदा करके आ चुके हैं और सबने नमाज फजर अदा कर ली है। और उसके बाद जो है ना, अभी नाश्ते करने का टाइम है और साथ में सारा सामान जो है वो पैक करने का टाइम है। तो अभी सभा लगी हुई है सामान पैक करने में और अजहर भाई लगे हुए हैं नाश्ता जो है वो लगाने में और अम्मी जान जो है वो लगी हुई है नाश्ता खाने में और अबू लग गई हुई खाने में। बैठ जाऊंगी वही था। हाँ जी, नाश्ते को देख रही हो ना, इंशाल्लाह जैसे लगेगा तो फिर ओ और लस्सी ले आया अजहर भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद और डब्बा ले आया। चले सलाम दुआ कर लो, सबको बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो हम भी ठीक है, हम भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर बेबो जानी भी बहुत जैसे माशाल्लाह गैप वैसे। बेबो जानी आज कहाँ जा रहे हैं? बस पे। बस पे? फिर कहाँ जाएंगे? बस मदीने। मदीने, माशाल्लाह। बेबो जानी सबसे प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, देखो। हाँ जी, ये चेक करें बेबो का ड्रेस ही कुछ ऐसा है। ड्रेसेस भी, जूती भी, ये जेब भी है। हाँ, रुमालिया है अंदर। रुमाल आप मुंह साफ करोगे? वाह जी वाह, माशाल्लाह सियाने हो गए हो। और इधर जी सभा बैठी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, मेरे क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो अभी कुछ पैकिंग जो है वो मैंने कर ली है, मतलब कि जो अनधुले कपड़े थे वो बैग फुल हुआ पड़ा है हमारा, और जो सामान हमारा ये था ये जो है मैं इस बैग में डाल रही हूँ क्योंकि वो बैग जो है बिल्कुल फुल हो चुका है। तो अभी इसी में ऐसे बांध के ना बंद कर देती हूँ जिप। सही है। तो फिर उधर से अजहर भाई ने नाश्ता वगैरह जो है वो लगा दिया, पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद जो होगा फिर देखेंगे। हाँ जी। अगर आप सब ने नाश्ता करना है तो आके कर सकते हैं। सही है, तो सारे बैग फुल हो गए हैं। हाँ जी, ये पापड़ आ जाएंगे इधर। हाँ पापड़ आ जाएंगे ऐसे करके ना। बाहर पे रांडे वाले थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बाहर आ गए यार। तुम पैक तो करो, जो मैं चाहता नहीं। इधर जी नाश्ता माशाल्लाह, ये देखें दस्तरखान जो है ना, जब नाश्ता लेने जाते हैं यहाँ पे, ये शापर वाला दस्तरखान भी साथ में मिलता है। एक खाना लेंगे एक शापर, दो खाने लेंगे दो शापर, तीन खाने लेंगे तीन शापर देंगे साथ। अब कितने खाने लिए हैं? दो? पता नहीं, अजहर भाई लेके आए मेरे ख्याल में, हाफ हाफ लेके। हाँ हाफ हाफ लेके हैं। और इधर अबू जान भी माशाल्लाह आ चुके हैं। अबू जान यहाँ पे बैठेंगे, अभी खाना वगैरह जो है वो खाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें यही था कि हम जो है इंशाल्लाह ताला मदीने के लिए रवाना हो रहे हैं, और बहुत सारे बहन भाई, मैं कहता हूँ कि तमाम बहन भाई कह रहे हैं कि जब हम मदीने पाक जाओ सरकार के रोज़े पे जाना तो हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करना। तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारी दुआएं की हैं, वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं करेंगे। और अभी ना नाश्ता लग चुका है, नाश्ता कर लूँ उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। आज जनाब आ जाए, पहले नाश्ता कर ले उसके बाद जो होगा फिर। हाँ जी, ये मेरी जगह है जी साथ में, हसन जानी और के साथ। हाँ जी, हसन जानी के साथ साथ, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ, अब्बू मेरी अम्मी के साथ और अजहर भाई अब्बू के साथ, अकेले अब्बू के साथ। ये तस्बीह किसकी है अम्मी जान? ये आपकी है? ए थे इधर ही होटल में रखी हुई थी।
अच्छा अच्छा फिर तो हमारी नहीं है ना, फिर तो ये इधर ही रखी रहेगी। चलें जी ये यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये हमने ना खरीदी है ना हमने ली है ना हम लेके आए थे, तो ये यहाँ की है, यहाँ ही रखी रहेगी, मतलब जो भी होटल में आएगा वो पड़ता रहेगा। आज इस होटल को बाय बाय कर रहे हैं जी, इस होटल में हमारी रिहाइश थी। माशाल्लाह जी हमारे दोनों जो है ना बच्चे आपस में खेलते खेल लगा रहे हो हसन को। हाँ। खेल लगाओ बैठ के ऐसे। वाह वेरी गुड। होटल वाले हमारा सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, होटल वाले सारा सामान निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं। हाँ तो टाइम आ चुका है, निकलो कहते हैं बाहर। अब इस होटल में कोई और आ जाएगा। और आ जाएगा। चलो अभी जो है हम बुरके वगैरह पहन ले, फिर जो है हम यहाँ से करते हैं कुछ, क्योंकि हमारा टाइम जो है यहाँ पे जितना हमारा नसीब था वो खा लिया है। हाँ जी। छोटा-मोटा सामान सारे चाहिए हमें। हाँ जी सारा लेके आते हैं। बस इधर सामान डाल लिया। हाँ जी, अच्छा सांभर उठा लिया वॉशरूम से जी, उठा लिया। और शैम्पू ये पड़ा है, ये वाला ये लो, ये आ गया ठीक है। हाँ बेबोजानी रास्ते में खाएगा ना, ये हाथ में होगा ना। हाँ? यार कोई शापर है ना जो हाथ वाला, उसमें रख दो। ये भी लेके जानी है, खजूरें लेके जानी है, बाकी जो है ना ये गिलास भी, ये भी उठा लो अपने। ये बैग फिर हाथ में उठा के रखना, खजूरें भी यहाँ पे डाल दें और ये भी। सारे यहाँ पे डाल दो, ये वैसे भी हम हाथ में उठाते हैं ना। हाँ, इसमें कागजात भी सारे इसमें। ठीक हो गया। अभी इधर जी नीचे देख लेते हैं, शायद हमारा कोई सामान यहाँ पे पड़ा हो। यहाँ पे सारा खाली है, इस साइड पे देख ले। हाँ मी मिला कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं। मिल गई ना अब। ये लो ये कैब, पता नहीं हसन की है ये वाली। अच्छा अच्छा ये चार्जिंग, वो मेरा मोबाइल लगा हुआ है, ये जब उठाना तो चार्जिंग उठा लेना सर। उठा दो, उठा दो। एयरपॉड वगैरह ये लो। थैंक यू। ये एक बोतल जूस की उठा लो, बाकी तो चलो ना अब हम पीते हैं, जो आएगा पिएगा। ये उठा लो बस। टोपी पहनो बेबो। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है, और सारे बड़े बड़े जो बैग हैं वो हमारे नीचे चले गए हैं। उसके बाद जो छोटे वाले बैग हैं ये हम अपने हाथों में लेंगे। और अभी एक चीज जो है वो किसी को भी याद नहीं है। हाँ जी व्हील चेयर जो है ना ये रखी हुई है, इसको देखो इसके अंदर कोई सामान वगैरह है, इसको बाहर निकालो बेबो। रेडी निकालो बेटा बाहर, निकाल लिया। ले आओ ले आओ ले, एक मिनट इधर से ऐसे पकड़ के ले आओ। कल्ला ब्रेकें लगी हुई हैं, ब्रेकें खोलो। उई वो अपनी शक्ल देख के खींच रहा है, गुस्सा निकाल रहा है। हाँ इधर हसन आया हुआ है ना दूसरा। गंजा सुनाब कहाँ लेके जा रहे हो हसन? बेबो रुमाल और टापी बैठा है, क्या रुमाल है बेबो के पास है? नहीं वो तेरी सावे थे मेरे कनाई थे, तो खाओ थे वो उठाई हुई है बेबो ने। बाबा बस 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 यहाँ पे रोक दो, बस यहाँ भी लिफ्ट से हम नीचे जाएंगे ना। चलो आ जाओ एक बार तसल्ली कर लो।
ओके हो गया। हाँ, ओके हो गया। बस अब ताला लगा दो क्योंकि उनको चाबी देनी है ना। चलें जी, रवानगी का टाइम जो है ना वो बिल्कुल हो चुका है। ये है जी चाबी जो उनको वापस करनी है, ये वाली चाबी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा हाफिज़ जी, बाय बाय। सब जो है ना वो लिफ्ट को देख रहे हैं और सबा मेरे पैरों पे चढ़ी जा रही है इधर। पीछे आने लगी तो बैग लगाया आपको। वो देखें इसके काम चेक करें फिर। एक मिनट बेबो, लिफ्ट पे नहीं बैठना आपने, नीचे आ जाओ, लिफ्ट पे बैठना है आपने। लिफ्ट जी, जब से रेडी को देखे इसने चलना भी बंद कर दिया इसने। हाँ बस उसको अब लालच पड़ गई ना कि चल क्यों चलना पड़े जब रेडी है हमारे पास। रेडी को इसने तोड़ दिया, उसके नीचे एक आग जैसा गत्ता था जो कि वो टूट गया। वो वजन जाने का, वो वजन भी नहीं उठा सकती, ये फिर जाके ऊपर बैठ जाता है उसके। तो जी अभी जो है सब लिफ्ट में खड़े हैं और अभी यहाँ पे जब ग्राउंड फ्लोर आएगा ना तो हम उतर जाएंगे, थोड़ी सी देर है बस। और बस हमारी बाहर खड़ी है, सामान वगैरह भी बस में रख दिया गया है। हमारी इंतजार है, हमें भी छोड़ेगी तो। चलें जी, आ गया। चलें जी, चलो ले चलो, ठीक है अभी खुलने दो दरवाजा। चलो अभी जी जो है हम नीचे आ चुके हैं, नीचे आने के बाद सामान वगैरह जो है वो सारा हमने यहाँ पे रखवा दिया है और अभी ये जो है उधर लेके आएगा बस की जानब ये सारा सामान, और अभी जो है हम सारे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी बस आई हुई है हमें उठाने के लिए, बिल्कुल रेडी खड़ी है। तेरा मोबाइल, चार्जर और मोबाइल, डरा दिया आपने तो। इसलिए पहले मैंने कहा था, मैंने कहा मोबाइल और चार्जर उठा लो। बेबो का उठाया है? चलो ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं अम्मी, चलो ये बंद कर। मैं खुद डर गई थी। आपको पता है आपने चार्जर उठाया, वो ये है ना मोबाइल रख के आप काम करने लग जाती हो, शायद आपने कहा वहीं पे रखा हुआ है। चलें अभी देखते हैं, ये वाली बस तकरीबन ले जाएगी। और आज जो हमारा सफ़र है ना वो 5 घंटे का है, 5 घंटे हमने लगातार जो है सफ़र करना है। रास्ते में कहीं पे स्टे करेंगे, किसी होटल पे रुकेंगे, स्टे करेंगे, कोई चाय पिएगा, कोई खाना खाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे। अभी सामान वगैरह जो है उन्होंने ये खोला हुआ है बॉक्स, सामान वगैरह सारा इधर रखेंगे। हमारे बैगों पर नाम लिखे हुए हैं, इसलिए नाम लिखते हैं कहीं पे फिर गुम नहीं हो जाते, हर किसी का नाम लिखा होता है। हैंड बैग पे तो नहीं लिखा हुआ ना? हैंड बैग पे नहीं लिखा हुआ, हैंड बैग हम बाहर ले जाएंगे, बाकी जो है जो बंद बैग है वो हम अंदर रख देते हैं। हाँ छोटे बैग जो है ना हम उठा लेते हैं अपने, उसमें क्योंकि सामान भी है खाने पीने का। ये वाली बस जो है ना इनकी सीटें जो है वो फुल हो चुकी है। ये जो शिरके की बसें होती हैं ना, ये मतलब एक जाती है फिर दूसरी आ जाती है, अब ये तो फुल हो गई है सीटें, अब ये सब जाने वाले ना जा रहे हैं, अब ये जाएगी तो इसकी इसकी जगह पे ना फिर और बस लगेगी, फिर उसमें जो है ना सबसे पहले हम बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सीटें हैं लेकिन वो बेबी की सीट नहीं थी, फिर आपको पता है 5-6 घंटे का सफ़र है तो फिर बच्चे चले सो जाते हैं, एक सीट होती है चले उधर सो जाते हैं, इस वजह से जो है ना अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे, यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जब दूसरी बस आएगी ना फिर चले जाएंगे। तो और बस ये आ गई है, ये खड़ी हुई है, इसकी सीटें जो है खाली है, अभी हम यहाँ पे जो है वो बैठते हैं, सामान वगैरह जो है वो सबसे पहले उठा लेते हैं, या फिर ये बस की उधर लेके आ जाए, लेकिन बच्चों को तो भेज देते हैं ना, वो सीटें संभाल लेंगे बैठेंगे। इन बैगों का ये मज़ा है कि इनको ना ये देखें व्हील लगे होते हैं ना, बिल्कुल बंदा सिर्फ हाथ रख के ना चल पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं जी दोबारा और बस में, बाय बाय जी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी फास के ऊपर जो है वो चढ़ गए हैं। अभी हम यहाँ से इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं और सबने दुआ करनी है खैर खरीत से जो है ना इंशाल्लाह ताला हम मदीने पार पहुँचे। बिल्कुल फ्रंट सीट पे ना अब्बू और अम्मी को बिठा दिया है और इधर फ्रंट सीट पे अजहर भाई और मैं जो है इधर बैठ गए हैं। इधर फ्रंट सीट पे देबो जानी और ये सब जानी और सब ये यहाँ पे बैठ गए हैं माशाल्लाह। नाराज हो रहा हूँ कहते मुझे उठाओ। कि जो बसें हैं ना इनका जो फ्रंट होता है जहाँ पे ड्राइवर बैठता है या क्लिंडर होता है बिल्कुल नीचे नीचे टायर के साथ होते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल नीचे बैठ जमीन को देख रहा होता है वो जब ब्रेक लगाता है जमीन पे ना। अभी जो है ना वो कह रहे हैं वीज़े जो है ना अपने साथ रखे तो हमारे वीज़े जो है मोबाइल में है PDF है हम तो जहाँ पे होता है चेक करते हैं फ़ौरन से निकाल के दे देते हैं। तो बेबो बैठ जाओ बेटा सर्दी है ना चलाओ बैठ जाओ। बेबू जानी जो है ना वो छेड़छाड़ियाँ कर रहे हैं मतलब वो AC चला रहे हैं सुबह और फसल को जो है सर्दी लगती है फिर वो चलाई जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो है वो रवाना हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये बाहर का व्यू है सड़कें हैं सूरज जो है वो निकल चुका है क्योंकि अभी 8 बज गए सुबह के तकरीबन 7:30 7:30 से भी कम टाइम। यहाँ पर रश देखें कितना है रश आप चेक करें गाड़ियों का बसों का मुफ्त है ये अच्छा कोई पैसे सही है। यहाँ पे बसें तो देखें कितनी प्यारी हैं और इतनी बड़ी बड़ी सब गाड़ियाँ यहाँ पे न्यू होती हैं कोई भी गाड़ी जो है ना वो पुरानी नहीं देखी हमने VIP न्यू लुक गाड़ी। उसके बाद यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं हसन जानी को मेरे ख्याल में नींद आ गई सही चले बेबो को भी नींद आ जाएगी अभी तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अभी जो हमारे व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह ताला वो मदीने पाक से आएंगे तो आप सब अपने साथ रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद सब जिंदाबाद बाय बाय जी।